दुर्भाग्यजनक है, एक राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक कार्यकर्ता को जिसको सुरक्षा की गुहार पुलिस से लगा रहे थे, सुरक्षा नहीं देने के परिणाम स्वरूप गैंगस्टर मारकर चले जाएं। राजस्थान की राजधानी में अपराध और अपराधियों का हौसला देखते ही बनता है, इससे बड़ी घटना हो नहीं सकती। ये जाती हुई सरकार के माथे पर कलंक है। सरकार को चाहिए कि विशेष टीम बनाकर हत्यारों को गिरफ्तार करें और फास्ट ट्रैक में इस मामले को डालकर उनको फांसी की सजा हो, मुआवजा मिले और इस न्यायिक जांच हो पूरे मामले की, ताकि असली चेहरे, जो किरदार, जो षड्यंत्रकर्ता थे, उनके सामने आ जाए। गोदारा गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। पुलिस डीजीपी ने कहा है कि हरियाणा डीजीपी से भी बात की गई है, अलग अलग जगह दबिश दे रहे हैं। आपको लगता है कि 5 साल में जो हालात रहे उस हालात, देखिए इस पुलिस के, राजस्थान की पुलिस के से लोगों का भरोसा पहले उठ चुका है। अब नई सरकार आएगी, सरकार की प्राथमिकता यही रहेगी। कल राजस्थान बंद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।